नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं लावण्या एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल लावण्या होम एंड गार्डन में। और आज हम इस खूबसूरत से एग्लोनिमा प्लांट को रिपोर्ट करेंगे। एग्लोनिमा प्लांट एक इंडोर प्लांट होता है जिसे सनलाइट बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होती है। अगर आप किसे किसी ऐसी जगह रखते हैं जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट आती है तो ये पौधा बहुत ही अच्छा चलता है। डायरेक्ट सनलाइट का मतलब ये नहीं कि सारा दिन आए, बस सुबह की आधे या एक घंटे की धूप अगर इसे मिल जाती है तो ये पौधा बहुत अच्छा चलता है। इसका सॉइल मिक्स ऐसा होना चाहिए कि पानी इसमें बिल्कुल भी ना रखे, क्योंकि इसमें एक ही दिक्कत आती है, वो होती है इसके रूट रॉट की। तो रूट रॉट अगर इसमें नहीं होगा तो ये पौधा आपका ऐसे ही सालों साल चलता रहेगा और इसमें बेबी प्लांट निकलते रहते हैं, जिस वजह से आप इसे आसानी से प्रोपोगेट कर सकते हैं। मेरे पास ये तीन वैरायटीज़ हैं, आप लोगों के पास और भी होंगी। मुझे अपना एग्लोनिमा का कलेक्शन बढ़ाना है बट अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। हमारे यहाँ नर्सरी में बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ नहीं आती हैं, ये प्लांट्स तो मुझे मेरे हस्बैंड ने ला के दिए हैं। तो देखिए, आज मेरे पास ये एग्लोनिमा का एक पौधा है और ये मैं लोकल नर्सरी से 50 रुपये में लेके आई थी। तो गाइस, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। आप देख सकते हैं कि मेरे दोनों प्लांट बहुत ही हेल्दी हैं और मैंने इन प्लांट में जो भी सॉइल मिक्स का यूज़ किया हुआ है वही सॉइल मिक्स आज मैं आपको बताऊंगी। बस फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि मैंने इन दोनों प्लांट्स में परलाइट का यूज़ नहीं किया है। उस टाइम पे मेरे पास परलाइट नहीं था, आज मेरे पास परलाइट अवेलेबल है। आप चाहें तो परलाइट यूज़ कर सकते हैं और आपके पास नहीं है तो उसे स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मैंने एक पॉटिंग मिक्स लिया हुआ है और ये एग्लोनिमा के लिए है। तो इसमें मैंने क्या क्या लिया है, इसमें मैंने लिया है ये मिट्टी है, आपकी गार्डन सॉइल है, और इसमें रेत मिली हुई है इसलिए मैंने रेत अलग से नहीं ली है। ये मेरी कंपोस्ट है, आप लीफ कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। ये इप्सम सॉल्ट है, आप थोड़ा सा इप्सम सॉल्ट भी ले सकते हैं। ये बोन मील है, मैंने थोड़ी सी बोन मील डाली है ताकि इसकी ग्रीनरी बनी रहे, कैल्शियम इसका बना रहे। ये परलाइट है, पहले दो प्लांट की मैंने जब रिपोर्टिंग करी थी तो मेरे पास परलाइट नहीं थी, इस बार मेरे पास परलाइट है तो मैं परलाइट यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास परलाइट नहीं है तो आप सैंड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये है कोकोपीट, तो आपको कोकोपीट, परलाइट, कंपोस्ट और मिट्टी, ये चारों इक्वल पार्ट में ही लेने हैं, कोई भी कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आप चारों इक्वल पार्ट में ले सकते हैं। परलाइट में अगर आपके पास सैंड है तो आप हाफ़ परलाइट और हाफ़ सैंड ले सकते हैं, अगर आपके पास परलाइट नहीं है तो आप फुल सैंड ले सकते हैं, और अगर आपके पास सैंड नहीं है तो आप फुल परलाइट ले सकते हैं। इससे क्या होगा, परलाइट के अंदर पानी को ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी होती है, जिस वजह से आप पौधा आपका जो है वो इनफ पानी ऑब्जर्व करता है जितनी उसको ज़रूरत होती है, जिस वजह से उसे रूट रॉटिंग की दिक्कत नहीं होती और आपका पौधा हेल्दी रहता है। तो इन सबको मिला लेते हैं। और जो सबसे ज़रूरी बात, फंजीसाइड, फंजीसाइड का इस्तेमाल आप मानसून में रिपोर्टिंग करते वक्त या किसी भी टाइम रिपोर्टिंग करते वक्त ज़रूर रखिए। ये पॉट में फंगस होने से बचाता है और आपका पौधा सेफ रहता है। तो चलिए अब इसे हम मिला लेते हैं। तो गाइस, पॉटिंग मिक्स हमारा तैयार हो गया है और मैंने देखिए ये 8 इंच का गमला ले लिया है। 8 इंच का गमला एक हेल्दी पौधे के लिए इनफ होता है, पौधा मेरा छोटा नहीं है, अच्छा खासा है। तो देखिए, मैंने पहले वाला भी पौधा देखिए 8 इंच के पॉट में ही लगाया था और ये वाला पौधा भी मैंने 8 इंच के पॉट में ही लगाया था। तो चलिए इसे भी 8 वाले इंच के पॉट में ही रिपोर्ट करते हैं। तो इसमें ड्रेनेज होल बहुत अच्छे हैं। अब क्या करेंगे, हम इसमें ये पॉटिंग मिक्स डाल देंगे नीचे एक लेयर। अब उसके बाद बिना पौधे को घुमाए फिराए यहाँ रख देते हैं। ये देखिए, ये हमने रख दिया। अब धीरे धीरे सारा पॉटिंग मिक्स इसमें डाल देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये पूरा पॉट लगा दिया है और मैंने थोड़ा सा परलाइट ऊपर से भी डाल दिया है ताकि इसमें मॉइस्चर थोड़ा सा मेंटेन रहे। और हल्का सा आप इसे वॉशिंग कर दीजिए और
इंडोर प्लांट है तो शेड में ही रखना है। तो इसी तरह आप इसमें फर्टिलाइज़र के रूप में, लिक्विड फर्टिलाइज़र में आप इसे सीवीड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, थोड़ा सा फोलियज स्प्रे भी कर सकते हैं, जिस वजह से इसकी ग्रीनरी बनी रहेगी। तो और इसकी केयर के लिए सबसे बेटर है कि इसको बहुत ज़्यादा पानी मत दीजिए, पानी तभी दीजिए जब इसकी मिट्टी पूरी तरह से आपको ड्राई लगे। जब मिट्टी ड्राई हो आप अपनी उंगली लीजिए, ऐसे एक सेंटीमीटर तक पॉइंट करके देखिए, अगर मिट्टी ड्राई लगती है तो ही पानी दीजिए, वरना आप इसे पानी मत दीजिए। तो गाइज ये थे हमारी एग्लोनीमा और उसकी रिपोर्टिंग। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और किसी पौधे के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।